हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं समीर स्वराज आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल S2 समीर स्वराज में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम व्हाट्सअप जो आपका अकाउंट है, व्हाट्सअप मैसेंजर जो अकाउंट है, उस अकाउंट को हम व्हाट्सअप बिजनेस में चेंज करने वाले हैं। ये कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर फोन दिख रहा है और मैं भी हाथ में फोन ले लिया हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है, आप अगर व्हाट्सएप आपका फोन में है या तो फिर व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप अकाउंट फोन में है, ऐप है, डाउनलोड किए हैं पहले से, तो दोनों को क्या करना है, आपको अपडेट कर लेना है। इन दोनों ऐप को अपडेट कर लेने के बाद, अपडेट क्यों, अपडेट इसलिए ताकि आपका कोई न्यू फ्यूचर ऐड हो तो इस ऐप में ऐड हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फोन अकाउंट ट्रांसफर जो होता है वो आपको इनेबल रखना है। इसके बाद आपको देखेंगे, जैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो बनाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ एग्रीमेंट टाइप का आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसको क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो फोन में बिजनेस मैसेंजर नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाएगा। आने के बाद आपको देख लेना है नंबर आपका है या किसी और का। अगर आपका है तो आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। जब आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो मैसेंजर ऐप है वो, यानी कि बिजनेस जो ऐप है वो ऑटोमेटिक जो आपका नंबर है सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको क्या है, कंटिन्यू पर आपको टैप करना है और आपको मीडिया एंड हिस्ट्री के लिए अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके फोन पर 6 डिजिट का कोड जो है भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप उस कोड को नेक्स्ट पर, मतलब उस कोड को डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।